And now, the best international creator. इस अवार्ड में तीन लोगों के नाम हैं, किली पॉल फ्रॉम तंजानिया एंड कैसेंड्रा मे स्पिटमैन द जर्मन सिंगर. एंड वी हैव वन मोर अवार्ड विनर इन दिस बेस्ट इंटरनेशनल क्रिएटर कैटेगरी एंड ही इज ड्रू हिक्स. ही इज एन अमेरिकन विद हिंदी एंड भोजपुरी स्किल्स एंड ही हैज गेन्ड फेम फॉर फ्लुएंट हिंदी एंड बिहारी एक्सेंट. तो आप हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं. यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे. मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब बोल गया मैं, बट कोशिश करूंगा. जो भी बोल सकते बोल लीजिए. नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए. और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ. अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ. ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था. तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया और फिर पटना में. वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए. हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा. मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया. चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना. आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा. शुक्रिया, ऑल द बेस्ट. धन्यवाद. और हमारे देश के टूरिज्म पोटेंशियल को सामने लाने वाले बेस्ट ट्रैवल क्रिएटर अवार्ड के विनर हैं कामिया जानी, द फाउंडर ऑफ कर्ली टेल. हमारे देश के कई ऐसे पहलुओं को सामने रखा है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहे हैं. So the beauty of India has been showcased by her in her videos. That's Kamya Jani. Bahut bahut badhai. Thank you so much. Thank you. Kamya ji, bataiye. Mujhe ghumne ka bahut shauk hai. और मुझे लगता है कि जब हम ऑफिस से थके आ रहे आते हैं या वीक भर पूरा काम करते हैं, वीकेंड में हमें एंजॉय करना चाहिए. जो इतनी ब्यूटीफुल नेचुरल ब्यूटी हिंदुस्तान में है वो एंजॉय करनी चाहिए. और मुझे लगता है भारत सबसे ज्यादा खूबसूरत देश है और यही ऑब्जेक्टिव है कि ग्लोबल मैप पर भारत नंबर वन पर हो बस. और फिलहाल कंफ्यूज हूं, लक्षद्वीप जाऊं या द्वारका. द्वारका आपको काफी नीचे जाना पड़ेगा. लेकिन वो मेरा अनुभव बहुत ही अद्भुत था. खैर, उसकी बात कभी फिर करूंगा. लेकिन मैं नहीं मानता अब सब टूरिस्टों के लिए कितना सुविधाजनक होगा. लेकिन अब जैसे मैं आदि कैलाश गया था, आदि कैलाश हमारा काफी ऊंचे टॉप पर है और दूसरी तरफ मैं यहां द्वारिका में काफी मीटर नीचे चला गया पुरानी द्वारिका देखने के लिए. आप ये जब भारत के इन धरोहर का परिचय करवाती हो तो मैं एक विषय, दो विषय लेकर इन दिनों चल रहा हूं. उसमें आप जो क्रिएटर्स होते हैं मदद कर सकते हैं. एक, हमारे लोग क्या करते हैं, जैसे कहीं चले गए सोमनाथ, तो बस में, ट्रेन में अपनी कार से उतरेंगे, भागेंगे. और जैसे भगवान अभी कहीं जा रहे हैं तो पकड़ो, उनके दिमाग में यही रहता है, तो दौड़ो पकड़ो. और फिर एक बार देख लिया तो इधर उधर छुट्टी. मैं कहता हूं भाई, ऐसा क्यों करते हो? जहां जाते हो कम से कम एक रात रुकिए. टोटल जो आपका बजट है, टूर ट्रैवल का टोटल बजट है, कम से कम 5% 10% लोकल कुछ न कुछ चीज खरीदिए, लोकल प्रोडक्ट खरीदिए. अब फिर आप कहेंगे नहीं हमने पानी पूरी खरीदी थी, ऐसा नहीं. खाना वाना तो कंपलसरी है, खाएंगे, लेकिन कोई वहां की प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे देश की जो ये भी एक सामर्थ्य है और वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है. अब जैसे मान लीजिए आप बद्रीनाथ गए और वहीं से थोड़ा एक 5 किलोमीटर दूर मणा गांव गए और मणा गांव से हैंडीक्राफ्ट खरीदा, तो हिंदुस्तान का वो पहला गांव, उसके बाद चाइना आ जाता है, वो पहला गांव, वहां के कुछ चीजें खरीद करके अपने गांव ले जाओगे.
देश की एकता को हमेशा हमेशा बनाए रखने में काम आएगा। तो कभी आप ऐसे विषयों को भी अगर प्रमोट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, बहुत सारे मंदिर कवर किए हैं मैंने अपने वीडियोस में, और आपका बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि अब सारे ही मंदिरों को बहुत ही नया रूप मिल चुका है, सो थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू। एंड नाउ लेट्स रिकॉग्नाइज द बेस्ट क्रिएटर इन टेक कैटेगरी, और इसके विनर हैं टेक्निकल गुरुजी के नाम से जाने जाने वाले गौरव चौधरी। आपका पहला टेक चैनल है जो 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के मार्क को क्रॉस कर गया, एंड यू इवन कवर्ड यूपीआई इन पेरिस। दैट्स गौरव चौधरी। चलिए भाई, आज की दुनिया का इंसान है, कुछ बताएगा हमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, मैंने 2015 अक्टूबर में अपना चैनल शुरू किया था, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है डिजिटल इंडिया, जो जुलाई के महीने में शुरू हुआ था। उससे एक साल पहले जब आपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी के फील्ड में स्पेशली इंडिया, जो हमेशा से हम जानते हैं कि हम सभी का जो टैलेंट है वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन जैसे मैंने देखा कि हमारे देश में जब मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई, जो बाहर की कंपनियां भी इंडिया में आ रही हैं, तो उससे मुझे लगा कि क्यों ना मैं अगर अपना थोड़ा नॉलेज शेयर कर पाऊं, तो बस वही स्टार्ट किया है। आपने ध्यान में आया होगा एक विषय को लेकर के मैं भारत काफी कुछ कर रहा है, और दुनिया को भी मैं कहता रहता हूं, सभी दुनिया के बड़े बड़े नेताओं से इस विषय में मेरी जरूर चर्चा होती है, और भारत का जो डिजिटल इंडिया का सक्सेस है ये तो गौरव बराबर अच्छे तरह जानते हैं, क्योंकि उसी फील्ड में काम करते हैं। लेकिन मेरा एक आग्रह रहता है कि उज्जवल भविष्य के लिए हमें टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करना चाहिए। हमारा यूपीआई ये इसका बहुत बड़ा सिंबल है। ये कुछ लोगों की बपोती नहीं है, ये सबकी मालिकी है, और दुनिया तभी आगे बढ़ेगी। कोई उसका एक बड़ा कंपनी का मालिक बन गया और दुनिया बांट रहा है, ऐसा नहीं। हम उसको डेमोक्रेटाइज करते हैं, और मैं मानता हूं जितना ये पहलू आपके माध्यम से पहुंचेगा कि टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज करने की क्यों जरूरत है, दुनिया के उज्जवल भविष्य के लिए थोड़ा सीरियस विषय लगेगा, लेकिन मैं गौरव जैसे दोस्तों से चाहूंगा कि आप इसको जरा बल दीजिए। सर, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो हम सभी को एक ताकत देती है आज की दुनिया में। मैं अभी पेरिस में गया था पिछले हफ्ते, और मैंने जब वहां की टिकट यूपीआई से खरीदी तो बहुत खुशी हुई, और मुझे लगता है कि इंडिया के पास में वो सारे सॉल्यूशंस हैं जो पूरी दुनिया के देश जो है अपनी जगहों पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो जरूर से कोशिश रहेगी। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू।